गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे अपनी राइटिंग बुक के पेज नंबर 52 पर आफ्टर एंड बिफोर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लिखा है वर्ड कम आफ्टर, यानी कि जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उसके बाद में आने वाले नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लिखा है फोर, फोर के बाद आता है फाइव, तो यहाँ पे फाइव लिखेंगे. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व. नेक्स्ट नंबर लिखा है थर्टीन, थर्टीन के बाद आता है फोर्टीन, तो यहाँ पे फोर्टीन लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर लिखा है यहाँ पे एट, एट के बाद आता है नाइन, तो यहाँ पे नाइन लिखेंगे. सर्कल, स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर लिखा है यहाँ पे सिक्स, सिक्स के बाद आता है सेवन, तो यहाँ पे सेवन लिखेंगे. स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर लिखा है यहाँ पे इलेवन, इलेवन के बाद आता है ट्वेल्व, तो यहाँ पे ट्वेल्व लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर लिखा है यहाँ पे 18, 18 के बाद आता है 19, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा है 14, 14 के बाद आता है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व. नेक्स्ट नंबर लिखा है 19, 19 के बाद आता है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे. कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड सर्कल. ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है व्हाट कम बिफोर, यानी कि जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उससे पहले आने वाले नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सिक्स लिखा है, सिक्स के बाद आता है फाइव, तो यहाँ पे फाइव लिखेंगे. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व. टेन नंबर लिखा है यहाँ पे, टेन से पहले आता है नाइन, तो यहाँ पे नाइन लिखेंगे. सर्कल, स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर लिखा है सेवन, सेवन से पहले आता है सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स लिखेंगे. कर्व एंड ज्वाइन अनदर कर्व. नेक्स्ट नंबर लिखा है 16, 16 से पहले आता है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व. नेक्स्ट नंबर लिखा है 12, 12 से पहले आता है 11, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा है 3, 3 से पहले आता है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कर्व, स्लीपिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा है एट, एट से पहले आता है सेवन, तो यहाँ पे सेवन लिखेंगे. स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन. नेक्स्ट नंबर लिखा है ट्वेंटी, ट्वेंटी से पहले आता है नाइनटीन, तो यहाँ पे नाइनटीन लिखेंगे. स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन. ओके, तो आप सभी को ऐसे ही अपनी मैथ की राइटिंग बुक पे रिविजन करना है जैसे मैम ने आज आपको करना सिखाया है. ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस.